Hello everyone. Next question we are starting, that is question number 9. So question number 9 में दो तीन नए पॉइंट्स हैं, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन जो आगे आपने किया था वही रिपीटेशन है. क्वेश्चन में सबसे पहले बैलेंस शीट आपको दिया है. बैलेंस शीट ऑफ RST लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2014 एंड 59 इज गिवन टू यू. बैलेंस शीट आपको दी है 2 साल की. इसमें पहले प्रीवियस ईयर की फिगर्स है, उसके बाद करंट ईयर की फिगर्स है. कभी कभी क्वेश्चन में पहले प्रीवियस ईयर की फिगर्स हो, करंट ईयर की फिगर्स होती है, फिर प्रीवियस ईयर होता है. इसमें पहले प्रीवियस ईयर है, बाद में करंट ईयर. ये ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारे लोगों का आंसर गलत हो जाता है. तो बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या है देख ले एक बार. तो बैलेंस शीट में है सबसे पहले इक्विटी शेयर्स है, जनरल रिजर्व है, प्रेफरेंस शेयर्स है, PNL है, डिबेंचर क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. ऑन द एसेट साइड देयर इज लैंड, बिल्डिंग, प्लान, मशीन, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, कैश, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस टैक्स और एडवांस टैक्स पेमेंट्स आर गिवन एंड एडजस्टमेंट्स दिए है. उसके ऊपर से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है. ठीक है. सो पहला पॉइंट अपना स्टार्टिंग करते कैलकुलेशन का. तो सबसे पहले अपना फॉर्मेट ड्रॉ करना है. मैंने फॉर्मेट ड्रॉ करके रखा है. सो आप पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए. इसके बाद फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद अपना क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से होगा, तो विल स्टार्ट विथ PNL अकाउंट बैलेंस. तो पहला PNL अकाउंट का जो बैलेंस है, बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी आपको दे दिया है 2 लाख एंड 3 लाख. तो PNL अकाउंट का बैलेंस है 2 लाख एंड 3 लाख. डिफरेंस करो तो 1 लाख रुपये का डिफरेंस आ रहा है. तो 2 लाख और 3 लाख का डिफरेंस 1 लाख रुपये डिफरेंस आ रहा है. इसका मीनिंग प्रॉफिट करंट ईयर में 1 लाख रुपये का हुआ होगा. तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट एज फॉर PNL अकाउंट. तो नेट प्रॉफिट एज फॉर PNL अकाउंट यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ बैलेंस है. यहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट होगा 1 लाख से. ठीक है. इसके बाद 1 लाख का बैलेंस से अपना क्वेश्चन स्टार्ट होगा. इसके बाद सीधा एडजस्टमेंट के ऊपर चले जाएंगे. एडजस्टमेंट में ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन रिपीटेड है. एक दो नए पॉइंट है, मैं आपको समझाऊंगा. पहला पॉइंट है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग एंड प्लांट्स एंड मशीन ड्यूरिंग द करंट ईयर 2014-15 वेर 50,000 एंड 120 रिस्पेक्टिवली. मीनिंग बिल्डिंग के ऊपर और प्लांट्स एंड मशीनरी के ऊपर करंट ईयर का डेप्री 50,000 और 120, टोटल 170 का डेप्री बिल्डिंग पे और प्लांट मशीन के ऊपर था. तो बिल्डिंग और प्लांट मशीन अकाउंट आप देखें तो बिल्डिंग अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस आप देखो तो 1 लाख हो रहा है, और प्लांट एंड मशीनरी में ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस है 2 लाख का. और यहाँ पे डेप्रिसिएशन ना तो 1 लाख है ना तो 2 लाख है. डेप्री की अमाउंट है 50,000 एंड 120. सो ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस और एडजस्टमेंट के अमाउंट का डिफरेंस मैच नहीं हो रहा है. तो इसके लिए क्या करेंगे, अपने अकाउंट बनाना पड़ेगा. तो इसके लिए लैंड बिल्डिंग और 2 अकाउंट है, लैंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं. लैंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीन अकाउंट. तो पहले अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, अकाउंट्स रेडी. फर्स्ट अकाउंट हेडिंग दे दें, दैट इज लंडन बिल्डिंग अकाउंट एंड सेकेंड वन दैट इज प्लांट एंड मशीन अकाउंट. ओके, सबसे पहले ये दोनों अकाउंट का ओपनिंग लिख देते हैं. तो लंडन बिल्डिंग का ओपनिंग आपको दिया है 6 लाख एंड 7 लाख, ओपनिंग क्लोजिंग 6 लाख एंड 7 लाख गिवन. तो पहले लैंडन बिल्डिंग का ओपनिंग लिख देते हैं 6 लाख. टू बैलेंस ड्रॉ डाउन 6 लाख और क्लोजिंग बैलेंस इज गिवन 7 लाख वॉज द क्लोजिंग बैलेंस. या 7 लाख क्लोजिंग बैलेंस. बैलेंस कैरिड डाउन लैंडन बिल्डिंग. ओके, इसके बाद प्लांट्स एंड मशीनरी. तो प्लांट्स एंड मशीनरी का ओपनिंग है 9 लाख और क्लोजिंग है 11 लाख. 9 लाख एंड 11 लाख. तो प्लांट्स एंड मशीनरी 2 बैलेंस ड्रॉ डाउन 9 लाख एंड बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 11 लाख. ठीक है. प्लांट्स एंड मशीन लैंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस लिख दिया. ठीक है. इसके बाद डेप्रिसिएशन वाला जो पॉइंट था, तो डेप्री बोला था बिल्डिंग के ऊपर कितना 50,000 और प्लांट्स एंड मशीनरी के ऊपर कितना था 120. तो डेप्री की एंट्री पास करते थे 50,000 एंड 1,20,000 डेप्री की एंट्री. तो बिल्डिंग के ऊपर 50,000 का डेप्री. यहाँ पे लैंड के ऊपर डेप्री नहीं होगा, बिल्डिंग पोर्शन के ऊपर आपको बोला डेप्रिसिएशन है. तो यहाँ पे डेप्री की एंट्री, यहाँ पे आप बाय PNL भी लिख सकते हैं. 50,000 डेप्री यहाँ पे है बिल्डिंग के ऊपर, और 1 लाख डिप्रिसिएशन आपको बोला था, 1,20,000 डिप्रिसिएशन ये आपको बोला था प्लांट्स एंड मशीन के ऊपर. तो यहाँ पे बाय डिप्रिसिएशन 1,20,000 ओके अब इसकी दोनों की एंट्री बोले डेप्री की, तो एंट्री होगी डेप्री टू लैंड बिल्डिंग, डेप्री टू प्लांट मशीनरी, और डेप्रीशिएशन अल्टीमेटली जाएगा कहाँ पे, पीएनएल में डेबिट होगा, तो एंट्री होगी पीएनएल टू डेप्री, यानी नेट एंट्री क्या होगा, दो एंट्री होगी डेप्री टू असेट, पीएनएल टू डेप्री, डायरेक्ट एंट्री पास करो तो एंट्री क्या होगी, पीएनएल टू असेट, पीएनएल टू असेट। ओके अगर पीएनएल अकाउंट डेबिट हुआ, अगर आपने पीएनएल अकाउंट डेबिट किया तो ये तो नॉन कैश एक्टिविटी हो गया, एंड नॉन कैश एक्टिविटी हो गया, पीएनएल में डेबिट हो गया तो आपको वापस क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट मीनिंग क्या होगा, प्लस। तो यहाँ पे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के हेड में यहाँ पे फर्स्ट डिप्रिसिएशन वाला पॉइंट शो कर देंगे, डेप्री ऑन बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, मैं दोनों का डेप्री कंबाइन करके लिख देता हूँ, आपको अलग अलग लिखना हो तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, 50,000 एंड 120 टोटल करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1,70,000 टोटल, 1,70,000 टोटल डिप्रिसिएशन बिल्डिंग और प्लांट्स एंड मशीन का 1,70,000, और एक इफेक्ट अकाउंट के अंदर होगी, एक इफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में होगी, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट एडजस्टमेंट इज डन, फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया। यहाँ पे सेकंड एडजस्टमेंट देखे तो सेकंड एडजस्टमेंट में बोला है ड्यूरिंग द ईयर ओल्ड मशीन कॉस्टिंग 150 वॉज सोल्ड फॉर ₹32,000 एंड रिटर्न डाउन वैल्यू वॉज 40,000, मीनिंग 150 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है, इसका तो कोई काम ही नहीं है, दैट्स इरिलेवेंट थिंग। 40,000 की बुक वैल्यू और इसको सेल कितने में किया, 40,000 का मशीन 32,000 पे सेल किया, मीनिंग 8,000 का लॉस हुआ, तो 40,000 का मशीन 32,000 में सेल किया तो उसकी एंट्री पास करें, तो मशीनरी को 32,000 में सेल किया था तो उसकी एंट्री बैंक अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पर आएगा बाय बैंक अकाउंट 32,000 बैंक टू प्लांट एंड मशीनरी, और साथ में लॉस हुआ था, सो लॉस कितना हुआ था, 40,000 का मशीन 32,000 में सेल किया था, सो 8,000 का लॉस भी हुआ था, सो लॉस की एंट्री क्या होगी, पीएनएल टू प्लांट एंड मशीन। सो दो एंट्री हुई यहाँ पे, एक सेल्स की एंट्री हुई बैंक टू मशीन और दूसरी एंट्री लॉस की होगी, दैट इज़ पीएनएल टू मशीन, बराबर। आपको एंट्री साथ में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं एंट्री बैंक टू मशीन, पीएनएल टू मशीन। तो पहली एंट्री आपने बोली बैंक टू मशीन, तो एंट्री में कैश बैंक आया, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इफेक्ट देनी पड़ेगी, कहाँ पे देंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पॉइंट नंबर 1 दैट इज़ सेल ऑफ प्लांट, यहाँ पे हेडिंग में लिखेंगे सेल ऑफ प्लांट, कितने में सेल किया था 32,000, तो यहाँ पे सॉरी ऊपर लिख दिया अमाउंट 32,000 और 8,000 का लॉस हुआ था, तो 8,000 का जो लॉस हुआ था तो लॉस की एंट्री क्या बोली आपने, पीएनएल टू प्लांट्स एंड मशीनरी। अब लॉस की एंट्री अगर आप बोलेंगे पीएनएल टू प्लांट्स एंड मशीनरी तो पीएनएल अकाउंट डेबिट होगा, बट ये तो फाइनेंसिंग अरे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो ऑपरेटिंग में आप डेबिट नहीं कर सकते, तो इसको ऑपरेटिंग से रिमूव करने के लिए पीएनएल में डेबिट किया था तो वापस क्या कर दो, क्रेडिट, क्रेडिट मीनिंग क्या, प्लस। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे प्लस में शो करेंगे सेकेंड नंबर का पॉइंट दैट इज लॉस ऑन मशीनरी, लॉस ऑन प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट वॉज 8,000। ओके तो ये एक एडजस्टमेंट हो गया सेल का, उसके लॉस की एंट्री होगी, ठीक है। ये सेकंड नंबर का पॉइंट हो गया। ऑलमोस्ट सारे ये रिपीटेड ट्रांजेक्शन्स है, सो आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए अभी। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 ड्यूरिंग द ईयर इनकम टैक्स फॉर द ईयर 13-14 वॉज असेस्ड फॉर ₹76,000। दिस इज अ न्यू पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन दैट इज टैक्स प्रोविजन का। ड्यूरिंग द ईयर इनकम टैक्स फॉर द 13-14 वॉज असेस्ड फॉर ₹76,000 एंड अ चेक ऑफ 4,000 वॉज रिसीव अलॉन्ग विद द असेसमेंट ऑर्डर टुवर्ड्स द रिफंड ऑफ द इनकम टैक्स पेड इन एक्सेस बाय वे ऑफ एडवांस टैक्स इन द अर्लियर ईयर। अब देखो अपना करंट ईयर जो है ना, करंट ईयर क्वेश्चन का वो करंट ईयर अपना ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2015 को। अपना ईयर एंड कब हो रहा है 31 मार्च 2015 को, मीनिंग अगर ईयर एंड 31 मार्च 2015 को हो रहा है तो अपना करंट ईयर कौन सा हुआ 14-15। अपना करंट ईयर कौन सा हुआ 14-15, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो एडजस्टमेंट बोला है वो एडजस्टमेंट में आपको ये बोला है कि ड्यूरिंग द ईयर इनकम टैक्स ऑफ 2013-14 असेस फॉर ₹76,000। क्या हुआ 13-14 का जो इनकम टैक्स है ना उसका असेसमेंट हुआ 76,000। अब मुझे ये बताओ कि करंट ईयर कौन सा है, तो करंट ईयर अपने ऊपर लिखा है यहाँ पे 14-15 है, और ये कौन से ईयर की बात करें 13-14 की। तो अगर करंट ईयर 14-15 है और ये 13-14 है तो मीनिंग ये हुआ कि प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रोविजन प्रीवियस ईयर का टैक्स असेस हुआ 76,000, बराबर। अब यहाँ पे बैलेंस शीट में आपको कहीं पे टैक्स प्रोविजन की फिगर भी दी होगी, तो इसमें आप देखो पहले प्रीवियस ईयर की फिगर्स है बैलेंस शीट के अंदर, पहले प्रीवियस ईयर की फिगर्स है, उसके बाद करंट ईयर की फिगर्स है, और यहाँ पे टैक्स प्रोविजन अकाउंट ये रहा। टैक्स प्रोविजन में आप देखो प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रोविजन कितना दिख रहा है आपको 70,000 दिख रहा है, और यहाँ पे क्या लिखा है एडजस्टमेंट में लिखा है कि प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रोविजन ये 13-14 प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रोविजन कितना हुआ 76,000 टैक्स प्रोविजन हुआ, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने लास्ट ईयर टैक्स प्रोविजन किया था 70,000, टैक्स प्रोविजन हम हमारे हिसाब से करते हैं और असेसमेंट जो होता है वो इनकम टैक्स अथॉरिटी करती है, ठीक है। तो हमने 70,000 का असेसमेंट किया था हमारे साइड से। हमें ऐसा लग रहा था कि टैक्स प्रोविजन कितना होगा, टैक्स पे करने का 70,000 ही आएगा, ऐसा कंपनी को लग रहा था। किसको लग रहा था? कंपनी को लग रहा था ऐसा कि टैक्स प्रोविजन या टैक्स पे करने का 70,000 ही आएगा। बट इनकम टैक्स वालों ने जब अपना रिटर्न चेक किया तो उन लोगों ने टैक्स भरने का कितना निकाला, 76,000। फिर से एक बार, कंपनी को क्या लग रहा है कि कितना पे करने का आएगा। लास्ट ईयर की बात करें, करंट ईयर का भी बात नहीं करें, लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर में कंपनी को क्या लग रहा था टैक्स पे करने का कितना आएगा, 70,000। बट इनकम टैक्स वालों ने उसका प्रोविजन करके कितना असेसमेंट किया, तो इनकम टैक्स वालों ने, अथॉरिटी ने, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने उसका असेसमेंट किया और इनकम टैक्स अथॉरिटी ने उसका असेसमेंट कितना निकाला, तो इन लोगों ने इसका असेसमेंट निकाला 76,000। मीनिंग हमने प्रोविजन कितना किया है, तो हमने प्रोविजन किया 70,000 का, बट हमें 6,000 रुपये टैक्स प्रोविजन ज़्यादा पे करने का आया, टैक्स की अमाउंट ज़्यादा पे करने की आई। इसका मीनिंग ये हुआ कि लास्ट ईयर हमने टैक्स प्रोविजन कम किया है। इसका मीनिंग ये हुआ कि लास्ट ईयर हमने टैक्स प्रोविजन कम किया है, तो प्रीवियस ईयर में जो टैक्स प्रोविजन कम हुआ है उसको आपको करंट ईयर में बढ़ाना पड़ेगा। 6,000 रुपये से टैक्स प्रोविजन के अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। फिर आगे ये भी बोला है कि 4,000 रुपये का रिफंड मिला प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर का जो हमने एडवांस टैक्स भरा था, प्रीवियस ईयर का जो हमने एडवांस टैक्स भरा था उसमें 4,000 रुपये रिफंड भी मिला, ठीक है। अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि एक तो टैक्स प्रोविजन कम किया, उसमें रिफंड कहाँ से आया, टैक्स प्रोविजन कम किया उसमें रिफंड कहाँ से आया। तो टैक्स प्रोविजन जो है ना एक अलग अमाउंट है, टैक्स प्रोविजन एक अलग बात है और एडवांस टैक्स एक अलग बात है। एग्जैक्टली बैलेंस शीट में देखो तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। मैं फिर से एक बार कौन से ईयर की बात कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर की, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर में टैक्स प्रोविजन बोलो बैलेंस शीट के हिसाब से आपको दिख रहा है कितना हुआ था, 70,000। इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कितना निकाला कि टैक्स भरने का कितना है, 76,000। यानी आपने लास्ट ईयर टैक्स प्रोविजन बोलो कम किया, ज़्यादा किया, तो कम किया था, कितना कम किया था, 6,000 रुपये टैक्स प्रोविजन कम किया था। तो इस साल आपको 6,000 पहले क्या करना पड़ेगा, टैक्स प्रोविजन बढ़ाना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर का जो चेंज आया, प्रीवियस ईयर में जो चेंज आया उसकी वजह से, प्रीवियस ईयर के टैक्स प्रोविजन में जो चेंज आया उसकी वजह से आपको पहले क्या करना पड़ेगा, तो पहले आपको 6,000 रुपये का टैक्स प्रोविजन आपको करंट ईयर में बढ़ाना पड़ेगा जो प्रीवियस ईयर का है। अभी करंट ईयर का टैक्स प्रोविजन तो करना ही बाकी है। मैं आपको बोल रहा हूँ मैं प्रीवियस ईयर का 6,000 बढ़ा रहा हूँ, मुझे करंट ईयर का जो टैक्स प्रोविजन है वो तो अभी करना पूरा बाकी है। तो अब ये टैक्स प्रोविजन प्रीवियस ईयर की वजह से 6,000 रुपये बढ़ रहा है, टैक्स प्रोविजन 6,000 रुपये बढ़ रहा है। और सामने आप देखो तो यहाँ पे एक और नया अकाउंट आपको दिया है, दैट इज कॉल्ड एडवांस टैक्स पेमेंट अकाउंट। नॉर्मली क्या होता है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी प्रैक्टिकल सिचुएशन में हम जो टैक्स प्रोविजन करवाते हैं उसके हिसाब से वो लोग एडवांस पर टैक्स भरवाते हैं। आपको पता होगा नॉर्मली क्वार्टरली एडवांस टैक्स की डेट्स आती है, तो एडवांस टैक्स जो होता है ये हर कंपनी को एडवांस पर टैक्स भरना कंपलसरी होता है, बराबर। क्योंकि इनकम टैक्स अथॉरिटी जब असेसमेंट करता है ना उसमें 6 महीने, 8 महीने, एक आध साल भी लग सकता है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी असेसमेंट कंप्लीट करे तब तक वो लोग वेट नहीं करते पैसा लेने का, तो वो लोग क्या करते हैं आपसे पहले से ही आपके हिसाब से जो टैक्स आ रहा है उसका एडवांस में टैक्स भरवा देते हैं। फिर वो लोग जब असेसमेंट करते हैं फिर अगर ज़्यादा या कम निकले तो उसका डिफरेंस आपके पास से या तो भरवाएंगे या तो रिफंड करेंगे। यानी हुआ क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने देखो प्रीवियस ईयर में 80,000 का एडवांस टैक्स भरा था। हमें क्या लग रहा था कि टैक्स प्रोविजन कितना किया है, 70,000। यानी हमें क्या लग रहा था कि टैक्स की लायबिलिटी 70,000 आएगी, बट फिर भी हमने टैक्स का एडवांस पेमेंट कितना किया है, 80,000। यानी इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने टैक्स प्रोविजन, हमें जो लग रहा था कि 70,000 का ही टैक्स भरने का आएगा, बट हमने प्रीवियस ईयर में ज़्यादा टैक्स पे ऑलरेडी एडवांस में कर दिया, एडवांस में। मीनिंग ऐसा कुछ हुआ, यहाँ पे कुछ थोड़ा ड्राइंग करें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सी लास्ट ईयर में हमें क्या लग रहा था कि टैक्स पे करने का कितना आएगा, 70,000 का टैक्स पे करने का ऐसा हमें लग रहा है, ठीक है। उसके बाद करंट ईयर में इनकम टैक्स अथॉरिटी ने जब असेसमेंट किया तो उन लोगों ने टैक्स कितना निकाला, तो उन लोगों ने टैक्स निकाला 76,000। यानी हमें 6,000 रुपये प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रोविजन बढ़ाना पड़ेगा। यानी टोटल टैक्स गवर्नमेंट के हिसाब से पे करने का कितना आ रहा है, 76,000। गवर्नमेंट के हिसाब से टोटल टैक्स पे करने का कितना आ रहा है, 76,000। तो गवर्नमेंट के हिसाब से ये टैक्स प्रोविजन 76,000 आपको पे करने का आ रहा है। और ये 76,000 के सामने आपने बैलेंस शीट में आपने देखा 80,000 का एडवांस टैक्स पे किया, तो 76,000 यहाँ पे वापस आपको दिखा दूँ, एडवांस टैक्स पेमेंट कितना हुआ है, 80,000 का। तो 76,000 के सामने अगर आपने 80,000 का एडवांस टैक्स पे किया है तो ये दोनों अमाउंट का आप डिफरेंस निकालो, तो दैट अमाउंट कम्स टू 4,000 रुपीज़ एडवांस में ज़्यादा टैक्स भरा है। तो ये 4,000 रुपये जो आपने ज़्यादा भरा था इसका गवर्नमेंट ने आपको रिफंड दे दिया। अब आपको समझा, आपको ये टैक्स का 4,000 का रिफंड आपको जो बोला है वो रिफंड एग्जैक्टली मैच कर सकते हैं। ये कोई भी हैफाजत फिगर्स नहीं है, इसको आप मैच कर सकते हैं कि 4,000 का रिफंड कैसे हुआ। लॉजिक समझाओ, वापस एक बार रिपीट करता हूँ कि हमने लास्ट ईयर में, करंट ईयर की भी बात ही नहीं कर रहा हूँ, करंट ईयर तो बाकी है, प्रीवियस ईयर में टैक्स प्रोविजन कितना हुआ था, तो प्रीवियस ईयर में टैक्स प्रोविजन हुआ था, हमने किया था प्रीवियस ईयर में टैक्स प्रोविजन 70,000। हमें ऐसा लग रहा था कि 70,000 टैक्स पे करने का आएगा, तो हमें 70,000 टैक्स पे प्रोविजन कर दिया। इसके बाद गवर्नमेंट ने करंट ईयर में प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रोविजन जो हमने किया था, फिर हमने रिटर्न फाइल किया होगा, तो उन लोगों ने असेसमेंट किया और गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि ना, हमको टैक्स पे करना कितना पड़ेगा 76,000। तो हमें लग रहा था 70,000, गवर्नमेंट को लग रहा है 76,000। इसका मीनिंग आपको गवर्नमेंट के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी 6,000 का प्रोविजन आपको पहले तो बढ़ाना पड़ेगा, तो 76,000 का प्रोविजन पहुंच जाओगे। उसके सामने आप देखो प्रीवियस ईयर में आपने टैक्स प्रोविजन ऑलरेडी टैक्स एडवांस में कितना पे कर दिया है, 80,000 बराबर। एडवांस टैक्स आप कुछ भी अमाउंट पे कर सकते हैं, फिर अगर ज़्यादा पे किया हो तो रिफंड आ जाता है, कम पे किया हो तो आपको एडिशनली पे करना पड़ता है। तो हमने 80,000 का एडवांस टैक्स पे कर दिया है, तो 6,000 बढ़ने के बाद भी 76,000 ही हो रहा है, और 76 के सामने 80,000 का आपने एडवांस टैक्स पे किया है, तो 4,000 रुपये आपने लास्ट ईयर टैक्स पे ज़्यादा किया है, तो उसका आपको क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा। तो वो आपको यहाँ पे जो बात करें एडजस्टमेंट नंबर 3 में 4,000 के रिफंड की, वो ये है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप देखो करंट ईयर में टैक्स प्रोविजन की जो फिगर है, वो टैक्स प्रोविजन की फिगर 1 लाख है। करंट ईयर का टैक्स प्रोविजन की फिगर कितनी है, 1 लाख है। इसका मीनिंग अब हमें करंट ईयर में ऐसा लग रहा है कि टैक्स पे करने का कितना आएगा, 1 लाख। मैं पहले प्रीवियस ईयर की में जो बात कर रहा हूँ 70,000 था और 6,000 उसमें इंक्रीज़ हुआ, यानी 76 हुआ। और करंट ईयर में जो 1 लाख है, ये पूरा नया है। ये 70 और 1 लाख का डिफरेंस 30,000 नहीं निकालना है, ये ध्यान रखिए। 70,000 और 1 लाख का डिफरेंस 30,000 करंट ईयर का टैक्स प्रोविजन है, ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है। तो 70,000 जो प्रीवियस ईयर का था, उसमें 6,000 ऐड करके 76,000 आपने टोटल एडवांस पे किया, टोटल टैक्स पे किया। और करंट ईयर में वो 76 की बात खत्म हो गई। उसके बाद करंट ईयर में नया टैक्स प्रोविजन कितना हुआ, 1 लाख। मीनिंग करंट ईयर का टैक्स प्रोविजन कितना है, 1 लाख। तो 1 लाख के सामने आपने एडवांस टैक्स कितना भरा है, 1,05,000। 1 लाख के सामने आपने 1 लाख की टैक्स लायबिलिटी, आपको लग रहा है कि प्रोविजन 1 लाख का करना पड़ेगा, तो आपने 1 लाख का प्रोविजन किया है, और उसके सामने आपको दिख रहा है आपने एडवांस में टैक्स कितना पे किया, 1,05,000। अगेन लास्ट ईयर के जैसे आपने एडवांस टैक्स ज़्यादा पे किया है, इसका मीनिंग ये हुआ लास्ट ईयर 70 के सामने 80 पे किया था, और इस साल 1 लाख के सामने 1,05,000 पे किया, मीनिंग अगेन एडवांस टैक्स ज़्यादा पे हुआ है। इस चीज़ों का आपको अकाउंट बना के अगर मैं आपको दिखाऊँ, समझाऊँ, तो ये क्या होगा, उसकी इफेक्ट, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं आपको ये लॉजिकली मैंने आपको इफेक्ट समझा दी, तो आप विदाउट अकाउंट भी आप इसकी इफेक्ट दे सकते हो अगर आपको समझ में आए। बट अदरवाइज अकाउंट बना के अगर करें, तो अकाउंट बना के अगर कैलकुलेट करें, तो मैं 2 अकाउंट यहाँ पर बना दूँ, आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी इसमें। समझो ये 2 अकाउंट मैंने बनाए। एक अकाउंट का नाम है टैक्स प्रोविजन अकाउंट। ये 2 अकाउंट आपको हमेशा साथ में बनाने पड़ेंगे, अगर क्वेश्चन में एडवांस टैक्स अगर क्वेश्चन में दिया है, तो हमेशा टैक्स प्रोविजन के साथ साथ एडवांस टैक्स अकाउंट हमेशा साथ में ही बनाना, बराबर। अगर क्वेश्चन में एडवांस टैक्स अकाउंट नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, तो फिर खाली टैक्स प्रोविजन अकाउंट बनाओ, और टैक्स प्रोविजन तो हर क्वेश्चन में होगा ही। एडवांस टैक्स अगर साथ में है, तो ये दोनों अकाउंट हमेशा साथ में बनाना, तो आपको लॉजिक समझ में आएगा। तो टैक्स प्रोविजन की फिगर पहले ओपनिंग क्लोजिंग लिख दो। तो टैक्स प्रोविजन का ओपनिंग 70,000 है और क्लोजिंग है 1 लाख। टैक्स प्रोविजन का ओपनिंग क्लोजिंग 70,000 एंड 1 लाख। तो पहले चलो टैक्स प्रोविजन का ओपनिंग क्लोजिंग लिख ले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000। चलो मैं क्लोजिंग अभी नहीं लिखता, मैं खाली ओपनिंग लिखता हूँ दोनों का। टैक्स प्रोविजन का ओपनिंग कितना, 70,000। आपको और क्लैरिटी आएगी इसलिए। 70,000 टैक्स प्रोविजन का ओपनिंग था और 80,000 एडवांस टैक्स का ओपनिंग था, ठीक है। तो एडवांस टैक्स का ओपनिंग लिख देते हैं, मैं क्लोजिंग नहीं लिख रहा हूँ, मैं एडवांस टैक्स का ओपनिंग लिख रहा हूँ। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, सॉरी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। ओके, मैंने दोनों का क्लोजिंग अभी नहीं लिखा, आपको थोड़ा और क्लैरिटी देने के लिए। क्लोजिंग बाद में लिख लेते हैं, है अपने पास क्वेश्चन में। ओपनिंग कितना लिखा, 70,000, क्लोजिंग अरे ओपनिंग 70,000 प्रोविजन का, और ओपनिंग टैक्स एडवांस टैक्स का 80,000। 70,000 80,000 बराबर, एक बार चेक कर ले आगे। टैक्स प्रोविजन का ओपनिंग कितना, 70,000, एडवांस टैक्स का ओपनिंग कितना, 80,000। ये दोनों का ओपनिंग लिख दिया, ठीक है, ओके। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, अब एडजस्टमेंट के ऊपर जाते हैं, वापस एक बार पढ़े। एडजस्टमेंट में आपको ये बोला है कि इनकम टैक्स वालों ने आपका टैक्स का असेसमेंट किया, और उनके हिसाब से बोलो कितना टैक्स भरने का लग रहा है इनकम टैक्स के हिसाब से। इनकम टैक्स अथॉरिटी के हिसाब से बोलो एडवांस टैक्स भरने का उनको कितना लग रहा है। आपको बोले 70 लग रहा था, उनको कितना लग रहा है, बोलो अमाउंट, बोलो कितना होगा, 76,000। ओके, 76,000 उनको लग रहा है कि इतना टैक्स पे करने का आएगा, ठीक है। तो आपने बोलो टैक्स प्रोविजन कितना किया था, तो आपने टैक्स प्रोविजन किया था 70,000 और इनकम टैक्स के हिसाब से बोलो कितना आ रहा है 76,000, तो 6,000 रुपये आपको टैक्स प्रोविजन बढ़ाना पड़ेगा। तो 70,000 जो आपको ये फिगर दिख रही है टैक्स प्रोविजन अकाउंट में, यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देते, टैक्स प्रोविजन में आपको 70,000 जो अमाउंट दिख रही है, ये 70,000 वाली अमाउंट को आपको क्या करना पड़ेगा 76,000 करना पड़ेगा, यानी 6,000 से आपको क्या करना पड़ेगा टैक्स प्रोविजन 6,000 से बढ़ाना पड़ेगा। तो टैक्स प्रोविजन की अमाउंट को 6,000 से बढ़ा दे तो टैक्स प्रोविजन करने की एंट्री क्या होती है, तो टैक्स प्रोविजन की एंट्री होगी PNL टू टैक्स प्रोविजन। ओके, ये करंट ईयर के PNL में डेबिट होगा कि प्रीवियस ईयर के PNL में डेबिट होगा, है तो प्रीवियस ईयर का, तो क्या प्रीवियस ईयर में डेबिट होगा करंट ईयर में भी डेबिट होगा, तो ऑब्वियसली करंट ईयर में डेबिट होगा क्योंकि प्रीवियस ईयर का PNL तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, उसको आप रीओपन नहीं कर सकते, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। जैसे लास्ट क्वेश्चन जो आपने किया इसके पहले का क्वेश्चन, तो इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी लास्ट कल जो आपने क्वेश्चन किया था उसके अंदर भी ऐसा था, एक स्टॉक के अंदर चेंज आया था, आपको याद हो तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक एक इफेक्ट थी। लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक कम लिया था और इस साल कंपनी ने डिसाइड किया था कि इस साल का ओपनिंग स्टॉक बढ़ा दो 24,000 रुपये से, तो हमने ओपनिंग स्टॉक बढ़ा दिया था बट लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नहीं बढ़ाया था क्योंकि हम कैश फ्लो करंट ईयर का बना रहे थे, प्रीवियस ईयर का नहीं। सिमिलरली यहाँ पे 70,000 का टैक्स प्रोविजन ओपनिंग था, 70,000 का टैक्स प्रोविजन ओपनिंग था। इनकम टैक्स अथॉरिटी ने क्या डिसाइड किया कि बोलो असेसमेंट कितना किया कि टैक्स प्रोविजन कितना होना चाहिए था 76,000, तो 6,000 रुपये टैक्स प्रोविजन कम था तो हमने टैक्स प्रोविजन बढ़ा दिया। टैक्स प्रोविजन की एंट्री बोलो क्या होगी PNL टू टैक्स प्रोविजन। PNL कौन से ईयर का, करंट ईयर का कि PNL का, लास्ट ईयर का, कौन से ईयर का PNL डेबिट करेंगे, तो ऑब्वियसली करंट ईयर का PNL डेबिट करेंगे, बराबर। ये कोई गलती नहीं है, ये कोई गलती नहीं है, आपने एस्टिमेशन किया था कि एस्टिमेशन 70,000 का किया था और उसका 76,000 हुआ, तो एस्टिमेशन तो चेंज हो सकता है, उसमें कोई गलती नहीं है, दिस इज़ नॉट अ लाइक रेक्टिफिकेशन, बराबर। और ये प्रीवियस ईयर का चेंज है तो करंट ईयर में आप एंट्री पास कर सकते हैं, करंट ईयर के PNL में डेबिट कर सकते हैं। तो फाइनली टैक्स प्रोविजन की ये एंट्री पास करेंगे PNL टू टैक्स प्रोविजन, तो एंट्री के हिसाब से अगर आप बोलो तो क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट में इफेक्ट आएगी, बोलो PNL टू टैक्स प्रोविजन एंट्री क्या हुई PNL टू टैक्स प्रोविजन, तो बोलो क्या टैक्स प्रोविजन ये एंट्रीज है, क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट में इफेक्ट आएगी क्या, यस ऑफ कोर्स आएगी। क्यों, तो आपने एंट्री बोली PNL टू टैक्स प्रोविजन, तो एंट्री में PNL आया तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा, एंट्री में PNL या कैश बैंक आता है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इफेक्ट आएगी। तो अगर आपने PNL अकाउंट को डेबिट किया तो ये तो नॉन कैश एक्टिविटी हुआ क्योंकि ये तो प्रोविजन है, पे कहाँ हुआ है, तो प्रोविजन है तो PNL में डेबिट किया तो नॉन कैश एक्टिविटी, तो उसको क्या करेंगे वापस एडबैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसको PNL में डेबिट किया था तो वापस क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट मीनिंग प्लस करना पड़ेगा। तो ये टैक्स प्रोविजन ब्रैकेट में लिखेंगे कौन से ईयर का, प्रीवियस ईयर का, कितना बढ़ाना है 6,000 रुपये से बढ़ाना है, 76,000 करने के लिए 6,000 बढ़ाना पड़ेगा। अभी करंट ईयर का बाकी इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है प्रीवियस ईयर टैक्स प्रोविजन, इस साल में डेबिट किया था तो इस साल में PNL में डेबिट किया तो वापस उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट मीनिंग प्लस करेंगे, बराबर। अब इसके बाद अकाउंट पे आगे जाते हैं, फिर क्वेश्चन में आपको बोला था कि 6,000 रुपये इनकम टैक्स ऑथोरिटी, वापस एक बार आपको क्वेश्चन भी दिखा दूँ, क्वेश्चन में आपको ये बोला था कि प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रोविजन गवर्नमेंट ने कितना असेस किया 76,000 और 4,000 रुपये उन लोगों ने रिफंड भी दिया। अब 4,000 रुपये उन लोगों ने रिफंड दिया, उसका एडजस्टमेंट कहाँ आएगा, तो देखो यहाँ पे हमने 80,000 का लास्ट ईयर एडवांस टैक्स पे किया था, 80,000 का एडवांस टैक्स पे किया था और हमें टैक्स पे करना आएगा 76,000 एज पर द गवर्नमेंट। तो 80,000 के सामने 76 के सामने हमने 80 का टैक्स पे कर दिया तो 4,000 रुपये उनको वापस करना पड़ेगा गवर्नमेंट को अपने को। तो 4,000 रुपये वो लोग जब आपको रिफंड करेंगे तो उसकी एंट्री हम क्या पास करेंगे, तो एडवांस टैक्स को 4,000 रुपये से कम करेंगे, मीनिंग क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी बैंक टू एडवांस टैक्स, एंट्री क्या होगी बैंक टू एडवांस टैक्स। तो एडवांस टैक्स अकाउंट में क्रेडिट साइड यहाँ पे इसको एंट्री को शो करेंगे बाय बैंक अकाउंट। आपको जो 4,000 का रिफंड मिला था और 4,000 रिफंड की एंट्री मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बैंक टू एडवांस टैक्स। रिफंड की एंट्री अगर आपको एंट्री लिखनी हो तो एंट्री क्या होगी बैंक टू एडवांस टैक्स, कितनी अमाउंट होगी 4,000। अब ये एंट्री जो हमने बोली बैंक टू एडवांस टैक्स, तो एंट्री में कैश बैंक आ रहा है, तो कैश बैंक आ रहा है तो इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने पास दो ऑप्शन है, इसको कैसे दिखाएंगे, तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। तो एक ऑप्शन ये है कि जो टैक्स पेड की जो अमाउंट है, ये टैक्स पेड का जो टैब होता है यहाँ पे हम टैक्स पेड करके शो करते हैं, ये टैक्स पेड का जो टैब है इसी के अंदर नेट करके लिख दे। से करंट ईयर का टैक्स कितना पे होगा ये हमें पता नहीं है, से करंट ईयर का टैक्स कितना पे होगा ये हमें पता नहीं है, बट उसमें से 4,000 रुपये रिफंड आ गया ये हमें पता है, 4,000 रुपये रिफंड आ गया ये हमें पता है। सो नेट कितना टैक्स पे किया वो हम शो कर देंगे, बराबर। सो टैक्स पेड में हम कैलकुलेशन कैसे शो करेंगे, तो 4,000 का अभी कितना टैक्स पे किया यहाँ पे देखो फिगर, करंट ईयर का जो टैक्स है मैं ये इनर कॉलम में लिख रहा हूँ, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ टैक्स पेड की अमाउंट। करंट ईयर में कितना टैक्स पे किया ये मुझे पता अभी नहीं है, थोड़ी देर में चल जाएगा, तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया कि करंट ईयर का टैक्स कितना ये पता नहीं है, तो ये क्वेश्चन मार्क किया। बट उसमें से रिफंड कितना मिला टैक्स पेड में से, प्रीवियस ईयर के टैक्स पेड में से रिफंड कितना मिला 4,000, तो मैं टोटल करंट ईयर का जो पे किया उसमें से प्रीवियस ईयर का नेट करके फिर मैं आउटर कॉलम में शो कर दूंगा। अब करंट ईयर का कितना पे किया अभी वो पेंडिंग है, वो थोड़ी देर में मिल जाएगा, बट 4,000 रुपये माइनस करना पड़ेगा टैक्स पेड की अमाउंट में से, तो हम नेट करके फाइनल आंसर आउटर कॉलम में शो करेंगे। ठीक है, दूसरा आंसर ये भी कर सकते हैं कि उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी टर्म्स में लिखा दो, बट ज़्यादा लॉजिकल ये है कि टैक्स पेड में से आप माइनस करके नेट आंसर ही शो करो। ओके, इसके बाद ये आपको समझ आया। ओपनिंग टैक्स वापस एक बार रिपीट कर दो, टैक्स प्रोविजन की अमाउंट ओपनिंग कितनी थी 70,000, गवर्नमेंट ने क्या बोला 76 टैक्स होगा प्रीवियस ईयर का, तो ओपनिंग 70 था, 6,000 रुपये टैक्स बढ़ा दिया। एंट्री क्या की PNL टू टैक्स प्रोविजन, PNL टू टैक्स प्रोविजन एंट्री की, तो PNL में आपने प्लस भी वापस कर दिया। ओके, फिर एडवांस टैक्स में से 4,000 रुपये का रिफंड आया, तो 4,000 का रिफंड आया, उसकी एंट्री क्या कि बैंक टू एडवांस टैक्स 4,000, बैंक टू एडवांस टैक्स 4,000। ये एक एंट्री है 6,000 की कैश फ्लो स्टेटमेंट में कर दी, दूसरी एंट्री है 4,000 की कैश फ्लो में क्या की, तो टैक्स पेड का जो टैब होता है उसमें इनर कॉलम में 4,000 को माइनस कर दिया। अब वो माइनस किस में से करेंगे, वो अमाउंट करंट ईयर का टैक्स में से माइनस करेंगे, और करंट ईयर का टैक्स कितना वो अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो एडवांस टैक्स अकाउंट में 80,000 का ओपनिंग था, 4,000 का रिफंड आ गया, तो इसका मीनिंग ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे एट प्रेजेंट 76,000 का डिफरेंस है। इसका मीनिंग यहाँ पे दूसरा समझो, टैक्स प्रोविजन अकाउंट जो है, यहाँ पे आप आओ, टैक्स प्रोविजन अकाउंट में ओपनिंग लायबिलिटी कितनी है 70,000, टैक्स प्रोविजन मीनिंग लायबिलिटी 70,000 की लायबिलिटी, और लायबिलिटी आपने कितनी बढ़ा दी 76,000। तो मुझे ये बोलो ये 76,000 को आप लायबिलिटी बोल सकते हैं, ऑफकोर्स बोल सकते हैं, टैक्स प्रोविजन ये लायबिलिटी है, तो टैक्स प्रोविजन जो लायबिलिटी वो कितनी है 76,000। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, टैक्स प्रोविजन जब पे करते हैं, आगे के क्वेश्चन आप रेफर करो, तो जब लिखना नहीं अभी, जब टैक्स प्रोविजन को आप पे करो तो आप यहाँ पे ऐसा लिखते हैं टैक्स प्रोविजन टू बैंक लिखते हैं, टैक्स प्रोविजन की अमाउंट जब आप पे करो तो क्या लिखते हैं टैक्स प्रोविजन टू बैंक लिखते हैं, बट ऑलरेडी यहाँ पे टैक्स प्रोविजन जो 76,000 है ये तो पे हो चुका है, तो यहाँ पे आपको टू बैंक 76,000 करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे टू बैंक नहीं आएगा, प्रीवियस ईयर का टैक्स ऑलरेडी एडवांस में पे हो चुका है, तो यहाँ पे टू बैंक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक बार तो भर दिया, कितनी बार भरोगे फिर, तो यहाँ पे टू बैंक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो आप एडवांस टैक्स अकाउंट में जाओ तो एडवांस टैक्स अकाउंट में जो डिफरेंस आ रहा है 76,000, ये 76,000 को क्लोज करके हम कहाँ ले जाएंगे, तो उसको हम सीधा टैक्स प्रोविजन अकाउंट में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, टैक्स प्रोविजन अकाउंट में 76,000 को ले जाएंगे, और ये 76,000 यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है, टैक्स प्रोविजन अकाउंट 76,000 एडवांस टैक्स अकाउंट में से टैक्स प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, बराबर। तो एडवांस टैक्स टैक्स प्रोविजन में ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे डेबिट साइड क्या लिखेंगे टू एडवांस टैक्स अकाउंट कितना 76,000। इसका मीनिंग क्या हुआ आप समझे, 76,000 की लायबिलिटी थी क्रेडिट साइड, और इसमें 76,000 आपने पे कर दिया, पे तो ऑलरेडी कर दिया था, खाली वो एडवांस टैक्स अकाउंट को हमने, अब देखो एडवांस टैक्स अकाउंट एट प्रेजेंट क्लोज हो गया, बराबर, इसमें क्लोजिंग बाकी लिखना, बट एट प्रेजेंट आप देखो तो क्लोज हो गया, अकाउंट क्लोज मत करना, बट एट प्रेजेंट आप देखो तो बैलेंस नलीफाई हो गया। ठीक है, और ये 76,000 को ट्रांसफर कर दिया टैक्स प्रोविजन अकाउंट में, सो एट प्रेजेंट आप देखो तो एडवांस टैक्स अकाउंट भी क्लोज हो चुका है और टैक्स प्रोविजन अकाउंट भी क्लोज हो चुका है। बोलो ये टैक्स प्रोविजन 76,000 क्या अभी पे किया कि पहले पे कर दिया था, तो पहले पे कर दिया था, कब पे किया था प्रीवियस ईयर में, तो इसकी एंट्री क्या हुई टैक्स प्रोविजन टू बैंक हुआ कि टैक्स प्रोविजन टू एडवांस टैक्स हुआ, एंट्री क्या हुई टैक्स प्रोविजन टू बैंक हुआ कि टैक्स प्रोविजन टू एडवांस टैक्स हुआ, तो एंट्री हुई टैक्स प्रोविजन टू एडवांस टैक्स, टैक्स प्रोविजन टू बैंक नहीं हुआ, क्या हुआ टैक्स प्रोविजन टू एडवांस टैक्स। अब ये एंट्री जो आपने बोली इसमें ना तो कैश बैंक आ रहा है ना तो PNL आ रहा है, तो को इसकी जो एंट्री है क्या वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगी क्या, बिल्कुल नहीं आएगी, ये खाली ट्रांसफर एंट्री थी। एंट्री वापस रिपीट करूँ, टैक्स प्रोविजन टू एडवांस टैक्स, तो ये टैक्स प्रोविजन अकाउंट में आएगी, सॉरी कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसकी कोई इफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद वापस आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर आप देखो तो टैक्स प्रोविजन का क्लोजिंग 1 लाख है और एडवांस टैक्स का क्लोजिंग 1,05,000। ये मैंने नहीं लिखा था जानबूझ के कि आपको वो अकाउंट जब जैसे क्लोज हुआ वो पता चले कि अकाउंट क्लोज कैसे हो गया। ठीक है, अब टैक्स प्रोविजन का क्लोजिंग 1 लाख है और एडवांस टैक्स का क्लोजिंग 1,05,000, तो उसकी अगर अकाउंट में एंट्री पास करूँ तो टैक्स प्रोविजन का अकाउंट, अब एट प्रेजेंट आप देखो तो टैक्स प्रोविजन तो बंद हो चुका है, तो टैक्स प्रोविजन का अकाउंट आपको ऐसा बोल रहा है कि इसमें बैलेंस क्रेडिट डाउन, इसका बैलेंस क्रेडिट डाउन टैक्स प्रोविजन का 1 लाख तो है ही, ये तो क्वेश्चन में आपको दे दिया, 1 लाख तो इसका क्लोजिंग है ही, तो ये क्लोजिंग 1 लाख लाने के लिए अकाउंट क्लोज करो तो यहाँ पे आपको 1 लाख रुपये टैक्स प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, तो ही वो 1 लाख रुपये क्लोजिंग आएगा। ये आपको क्लोजिंग बैलेंस तो क्वेश्चन में ही दे दिया, क्लोजिंग तो है ही, लाना ही है, कहाँ से लाएंगे, तो करंट ईयर में और 1 लाख का टैक्स प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, और टैक्स प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री क्या होगी, तो एंट्री वही होगी जो ऊपर लिखी हो 6,000 की एंट्री होगी PNL टू टैक्स प्रोविजन, एंट्री क्या होगी PNL टू टैक्स प्रोविजन। ओके, मुझे ये बताओ ये 6,000 और 1 लाख में फ़र्क क्या है, तो फ़र्क दोनों है तो सेम ही चीज़, दोनों टैक्स प्रोविजन है, बट ये प्रीवियस ईयर का है और ये करंट ईयर का है, ठीक है, बट दोनों प्रीवियर दोनों कौन से ईयर के पीएनएल में जाएंगे, तो ऑब्वियसली करंट ईयर के पीएनएल में दोनों जाएंगे। ठीक है, अब ये 1 लाख रुपए की जो एंट्री बोली वो एंट्री क्या थी, पीएनएल टू टैक्स प्रोविजन। एंट्री में पीएनएल आया तो पीएनएल डेबिट हुआ तो वापस क्या करना है, क्रेडिट। क्रेडिट क्यों करेंगे, बिकॉज अगेन नॉन कैश एक्टिविटी। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 4, यहाँ पे टैक्स प्रोविजन कैश फ्लो स्टेटमेंट में एड बैक कर देंगे। टैक्स प्रोविजन कौन से ईयर का, तो करंट ईयर का कितना था, करंट ईयर का कितना था 1 लाख रुपए टैक्स प्रोविजन, इसको यहाँ पे एड बैक कर देंगे। समझ आया आपको, बराबर। तो यहाँ पे एड बैक कर दिया, इसके बाद टैक्स प्रोविजन अकाउंट क्लोज हो गया। अब एडवांस टैक्स की बारी। एडवांस टैक्स का क्लोजिंग बैलेंस जो है ना वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दे दिया 1,05,000। एडवांस टैक्स अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस जो है दैट इज़ गिवन 1,05,000। तो एडवांस टैक्स का अगर क्लोजिंग बैलेंस 1,05,000 है, आप समझो एडवांस टैक्स का क्लोजिंग बैलेंस 1,05,000 है, तो एडवांस टैक्स अकाउंट तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका था। 80,000 ओपनिंग था और 80,000 हमने क्रेडिट कर दिया, तो ये तो क्लोज हो चुका था। तो एडवांस टैक्स अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो गया था, तो इसमें क्लोजिंग बैलेंस 1,05,000 आया कहाँ से। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपने करंट ईयर में एडवांस टैक्स एक्स्ट्रा पे किया होगा, करंट ईयर में एडवांस टैक्स एक्स्ट्रा पे किया होगा। कितना पे किया होगा, 1,05,000 ही पे किया होगा ना, तो ये तो आया वो। तो यहाँ पे एडवांस टैक्स अकाउंट क्लोज करो तो 1,05,000 का डिफरेंस आएगा, और ये 1,05,000 का जो एडवांस टैक्स आपने पे किया ये जो डिफरेंस आएगा ये डिनोट करेगा आपका एडवांस टैक्स करंट ईयर का। अब इसकी एंट्री क्या होगी, एडवांस टैक्स टू बैंक। एंट्री क्या होगी, एडवांस टैक्स टू बैंक, और दोनों अकाउंट क्लोज हो गए, बराबर। ये एक नया पॉइंट था पूरे क्वेश्चन के अंदर मेनली, और ये अभी तक आगे कोई क्वेश्चन के अंदर टैक्स प्रोविजन आया था बट एडवांस टैक्स नहीं आया था, बराबर। सो इसकी एंट्री क्या हुई, एडवांस टैक्स टू बैंक 1,05,000। ठीक है, अब इसका पोस्टिंग करो, सॉरी कैश फ्लो स्टेटमेंट में पोस्टिंग करो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या आएगा, तो यहाँ पे हमने जो टैक्स पेड का टैब बनाया था और वहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया था, ये क्वेश्चन मार्क वाली फिगर अपने को मिल गई कितनी। तो करंट ईयर का अपना टैक्स पेड अमाउंट जो है वो है 1,05,000। करंट ईयर का टैक्स पेड अमाउंट जो है वो है 1,05,000, और उसमें 4,000 रुपीज़ रिफंड माइनस करो तो नेट कितना होगा 1,01,000, और माइनस साइन से आउटर कॉलम आप शो कर सकते हैं 1,01,000 नेट करने के बाद। नेट आंसर 1,01,000 वो आप पे करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आता है, ये एडजस्टमेंट नंबर 3 हो गया। नाउ एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट नंबर 4 बोला है कि प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज़ 3 lakhs विच वर ड्यू फॉर रिडम्शन वर रिडीम ड्यूरिंग द ईयर 2014-15 एट अ प्रीमियम ऑफ 5% आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मीनिंग क्या हुआ, तो 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दिया, 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दिया। कैसे रिडीम किया, 5% प्रीमियम से। और ऐसा बोला है कि प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने के लिए उन लोगों ने नए प्रेफरेंस शेयर इशू किए, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू किए। अब बैलेंस शीट में आप देखो प्रेफरेंस शेयर तो पहले प्रीवियस ईयर की फिगर्स है, फिर करंट ईयर की है। तो प्रीवियस ईयर में प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू थी 3 लाख और क्लोजिंग है 5 लाख। आपको ऐसा बोले कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दिया और नए प्रेफरेंस शेयर इशू किए, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स है इसको इन लोगों ने रिडीम कर दिया और नए प्रेफरेंस शेयर कितने इशू किए 5 लाख। 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया एट 5% प्रीमियम और 5 लाख के नए प्रेफरेंस शेयर इशू किए। इसमें कोई अकाउंट बनाने की ज़रूरत है, आपको समझ आ गया कि 3 लाख और 5 लाख कैसे आया है ये समझ आ गया आपको, तो फिर इसका कोई अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रेफरेंस शेयर्स सबसे पहले रिडीम करें, सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करें तो सबसे पहले फिनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो शो करेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स को रिडम्पशन की एंट्री, तो प्रेफरेंस शेयर्स को रिडम्पशन करें तो फिनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर से और 5% प्रीमियम से रिडीम करना है, तो 3 lakhs का 5% करें तो 3,15,000 होगा। तो रिडम्पशन की अमाउंट 3,15,000, प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन 3,15,000। और ये 3,15,000 के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के बाद 5 लाख के नए प्रेफरेंस शेयर इशू भी कर दिए हैं, तो यहीं पर एक और एंट्री भी आएगी, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने इशू किए थे, 5 लाख के नए प्रेफरेंस शेयर इशू भी किए थे, तो इसकी एंट्री भी यहाँ पे आएगी। दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एक इनफ्लो एक आउटफ्लो। और क्या इसके लिए सीआरआर बनाने की ज़रूरत है, प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन करो तो सीआरआर बनता है, बट प्रोविजन आपको याद होगा कि अगर आप रिडम्पशन के लिए प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन करने के लिए अगर आप कोई नई सिक्योरिटी इशू करके रिडम्पशन करते हो तो सीआरआर बनाने की ज़रूरत नहीं होती, और वो नई सिक्योरिटी के अंदर डिबेंचर कवर नहीं होता बट इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंपनी क्या करिए, प्रेफरेंस शेयर इशू करके प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करिए, मीनिंग नई सिक्योरिटी में से रिडम्पशन कर रहे हैं, तो आपको सीआरआर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है इस क्वेश्चन में। और दूसरी एक चीज़, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया था प्रीमियम से, आपको आगे का कोई पॉइंट याद आया, आगे क्वेश्चन में कवर हुआ था एक पॉइंट यहाँ पे, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया प्रीमियम से, तो 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स को 15,000 प्रीमियम से रिडीम करें, तो 15,000 जो प्रीमियम है ये 15,000 प्रीमियम आप बैलेंस शीट में देखो असेट साइड, तो बैलेंस शीट में असेट्स आप देखो लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी इन्वेस्टमेंट स्टॉक डीलर्स कैश बैंक प्रीपेड एक्सपेंस एडवांस टैक्स, कहीं पे भी आपको प्रीमियम और रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर ऐसा कोई अकाउंट दिख रहा नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ कि प्रेफरेंस शेयर्स का जो प्रीमियम रिडम्पशन प्रीमियम है 15,000 इसको PNL में राइट ऑफ कर दिया होगा। 15,000 का प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन प्रीमियम जो है वो 15,000 का रिडम्पशन प्रीमियम PNL में राइट ऑफ कर दिया होगा, मीनिंग PNL में डेबिट कर दिया होगा। अब ये तो नॉन कैश एक्टिविटी हुआ या तो आप बोल सकते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुआ, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखा दिया तो ऑपरेटिंग में PNL में डेबिट किया होगा तो वापस क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट मीनिंग क्या होता है प्लस। तो 15,000 का जो प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन प्रीमियम है आगे भी एक क्वेश्चन में आया था, अगर उसको बैलेंस शीट में नहीं है तो इसका मीनिंग क्या, उसको PNL में राइट ऑफ किया होगा और राइट ऑफ किया तो वापस आपको रिवर्स करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 उसको PNL में क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट मीनिंग प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पॉइंट नंबर 5 में इसको शो करेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹15,000। ओके, तो ये वाला पॉइंट एक कम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर डन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बोनस शेयर्स इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर सेल आउट ऑफ जनरल रिजर्व। कंपनी ने क्या किया, तो कंपनी ने बोनस शेयर इशू किए। कितने बोनस शेयर इशू किए, 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर सेल। 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर सेल मीनिंग रेशियो क्या हुआ 1:5। 1:5 रेशियो में बोनस शेयर इशू किए। कहाँ से इशू किए थे, इंपॉर्टेंट है कहाँ से इशू किए थे, तो आउट ऑफ जनरल रिजर्व। तो बोनस शेयर अब देखो तो इक्विटी शेयर की वैल्यू देखो, तो प्रीवियस ईयर में इक्विटी शेयर थे 10 लाख के, प्रीवियस ईयर में इक्विटी शेयर से 10 लाख रुपए और इसमें बोनस कितने इशू करे, कौन से रेशियो में बोनस इशू हो रहा है 1:5, तो 5 पे 1, तो 5 पे 1 तो 10 लाख पे कितने होंगे 2 लाख। तो एग्जैक्टली आप देखो तो इक्विटी शेयर में चेंज कितना हुआ है 2 लाख का ही चेंज हुआ है, 10 लाख से 12 लाख हुआ है, तो इक्विटी शेयर में नेट चेंज एग्जैक्टली 2 लाख का हुआ है। इसका मीनिंग 2 लाख के इक्विटी शेयर नए इशू किए होंगे। अब ये 2 लाख के जो इक्विटी शेयर इशू किए हैं, ये इक्विटी शेयर कैश के सामने इशू नहीं किए, बोनस के फॉर्म में इशू किए। एंड बोनस के फॉर्म में जब इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो कोई कैश नहीं आएगा, इसको इशू किए हैं जनरल रिजर्व में से, यानी जनरल रिजर्व कम होगा और इक्विटी शेयर बढ़ेगा। तो एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोनस इशू हुआ PNL में से नहीं जनरल रिजर्व से, तो उसकी एंट्री क्या होगी GR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो GR टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंट्री पास होगी, यानी GR 2 लाख रुपए कम होना चाहिए। अब GR में आप देखो तो GR का ओपनिंग है 460 और क्लोजिंग है 425। अब GR में एग्जैक्टली 2 लाख का डिफरेंस आना चाहिए था बट आ रहा नहीं है। इसका मीनिंग कि जनरल रिजर्व में और भी कुछ होगा और मुझे नहीं पता कि जनरल रिजर्व में और क्या एडजस्टमेंट होगा, तो हम क्या करेंगे उसका अकाउंट बना देंगे जो हम यूजुअली करते हैं, बट इक्विटी शेयर का अकाउंट नहीं बनाएंगे और इक्विटी शेयर जो 2 लाख के बढ़े उसकी एंट्री कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी नहीं आएगी क्योंकि इक्विटी शेयर बोनस के फॉर्म में दिए, फ्री में दिए, कैश तो आया ही नहीं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 2 लाख दिखने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। और जनरल रिजर्व का अकाउंट बना देते हैं, तो जनरल रिजर्व का एक अकाउंट बना देते हैं क्योंकि उसके अंदर ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस एक्जैक्टली 2 लाख रुपए मैच नहीं कर रहा है, तो उसका एक अकाउंट बना देते हैं जनरल रिजर्व और उसके ऊपर से पता चल जाएगा कि क्या चेंज आया था, कि जनरल रिजर्व में बैलेंस मैच कैसे हुआ। तो एक और अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर कर लेते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट। जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड होगा बिकॉज ये रिजर्व है। सो सबसे पहले जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस देखो जनरल रिजर्व का कहाँ गया, जनरल रिजर्व ओपनिंग है 460 और क्लोजिंग 425, ओपनिंग है 4,60,000 एंड क्लोजिंग है 4,25,000। तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन 4,25,000, 460 एंड 425। ओके, फिर आपको बोला है कि जनरल रिजर्व में से 2 लाख की इक्विटी शेयर इशू की है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, तो जनरल रिजर्व टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए जनरल रिजर्व में से इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा और इक्विटी शेयर में एग्जैक्ट 2 लाख का डिफरेंस आ रहा है, सो इक्विटी शेयर अकाउंट हम नहीं बना रहे हैं, बराबर। बट जनरल रिजर्व अकाउंट इसलिए बनाए क्योंकि इसमें डिफरेंस कहाँ से आया ये हमें पता नहीं चल रहा है, तो इसीलिए ये इक्विटी शेयर अकाउंट बनाया। अब जनरल रिजर्व में डिफरेंस आप देखो मैच करने का ट्राई करें, तो जनरल रिजर्व के अंदर ओपनिंग है 460 या डेबिट साइड का टोटल है 2 लैक्स प्लस 4,25,000 माइनस 4,60,000, तो जनरल रिजर्व में 1,65,000 का डिफरेंस आ रहा है। ये अकाउंट आप लास्ट में भी क्लोज कर सकते हैं, बराबर, बट मैंने अभी कर दिया। तो 1,65,000 का डिफरेंस आया, ये 1,65,000 का डिफरेंस आया, ये क्या डिनोट करता है, तो जनरल रिजर्व के अंदर ये PNL में से ट्रांसफ़र हुआ होगा, बराबर। जनरल रिजर्व में बेसिकली बैलेंस जो इंक्रीज़ होता है, से आप देखो एक लॉजिक समझो, ओपनिंग कितना है 460। अगर 460 में से 2 लाख रुपए अगर मैं राइट ऑफ करूँ, 4,60,000 का ओपनिंग है, उसमें से 2 लाख रुपए मैं इक्विटी शेयर में ले जाऊँ तो जनरल रिजर्व का क्लोजिंग कितना आना चाहिए। 460 में से 2 लाख रुपए माइनस कर दो, 460 में से 2 लाख रुपए माइनस करो तो 260 का बैलेंस आना चाहिए। वो 260 जगह बैलेंस है 425, तो बैलेंस 425 मीनिंग ज़्यादा आ रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपने पीएनएल में से जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर किया होगा। एंड पीएनएल में से जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कितना हुआ होगा, 1,65,000 पीएनएल से जीआर में ट्रांसफर हुआ होगा। इसकी एंट्री हुई होगी पीएनएल टू जीआर। एंट्री क्या हुई होगी, पीएनएल टू जीआर। अब पीएनएल टू जीआर ये एंट्री अगर आपने पास की है तो पीएनएल अकाउंट आपने डेबिट किया होगा। पीएनएल डेबिट किया तो ये तो नॉन कैश एक्टिविटी हुआ, ये अप्रोप्रिएशन हुआ प्रॉफिट का। तो ये नॉन कैश एक्टिविटी की वजह से ये वापस पीएनएल में डेबिट हुआ होगा, वापस क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट मीनिंग प्लस। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 करके लिखेंगे ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व कितना था, तो ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व था 2 लाख। अमाउंट वापस एक बार लिख ले, अमाउंट वॉज 1,65,000, सॉरी अमाउंट इज़ 1,65,000। 1,65,000 आपने जीआर में ट्रांसफ़र किया है तो यहाँ पे ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व इज़ 1,65,000। यहाँ पे प्रॉफिट में एड बैक करना पड़ेगा, बराबर। ये जीआर वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद ओके, डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एट अ प्रीमियम ऑफ 3%। डिबेंचर को 3% प्रीमियम से राइट ऑफ किया था बिगिनिंग में, ऐसा बोल रहे। तो डिबेंचर का पोर्शन देखे क्वेश्चन में, डिबेंचर में ओपनिंग है 3 लाख और क्लोजिंग है 1 लाख। इसका मीनिंग 2 लाख के डिबेंचर को रिडीम किया है। ओपनिंग है 3 लाख और क्लोजिंग है 1 लाख, मीनिंग 2 लाख के डिबेंचर को रिडीम किया है। तो 2 लाख के डिबेंचर को रिडीम किया है, वो भी 3% प्रीमियम से, यानी डिबेंचर को 3,06,000 पे किया होगा। 3 लाख इंटू कितना प्रीमियम था, उसे एक बार देख ले। प्रीमियम का पोर्शन था 3%, ओके। और 3 लाख के डिबेंचर को रिडीम नहीं किया, सॉरी 2 लाख के। 3 लाख का ओपनिंग था और 1 लाख का क्लोजिंग है। सो 2 लाख के डिबेंचर को रिडीम किया और 2 लाख के डिबेंचर को 3% प्रीमियम से रिडम्पशन किया, तो 2 लाख का 3% 6,000 रिडम्पशन प्रीमियम हुआ। सो टोटल डिबेंचर होल्डर्स को रिटर्न कितना किया होगा, तो डिबेंचर होल्डर को रिटर्न किया होगा, रिडम्पशन किया होगा 2,06,000। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर इसको शो करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज 2,06,000। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 2,06,000 अगेन, ओके। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा क्योंकि ये डिबेंचर एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो उसको रिडम्पशन भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो करेंगे। अगेन आपको कुछ प्रीमियम का पॉइंट याद आया अभी जो प्रेफरेंस शेयर में था कि 6,000 रुपये आपने डिबेंचर को रिडीम किया और उसके ऊपर आपने 6,000 रुपये प्रीमियम पे किया। अब 6,000 रुपये जो आपने प्रीमियम पे किया, तो 6,000 रुपये प्रीमियम पे करना, ये प्रीमियम जो है ये बैलेंस शीट में आना चाहिए था, बट बैलेंस शीट तो हमने पढ़ी, कहीं पे भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी नहीं था, डिबेंचर भी नहीं था। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसका जो प्रीमियम है ये भी पीएनएल में राइट ऑफ किया होगा। एंड पीएनएल में राइट ऑफ किया तो ये जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, और पीएनएल में राइट ऑफ किया होगा तो जैसे आपने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट किया था, यहाँ पे प्लस किया था, ये वैसे ही सिमिलर पॉइंट यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी 6,000 रुपये यहाँ पे एड बैक करना पड़ेगा, बराबर। दो इफेक्ट हुई, एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो हुआ कितना 2,06,000, और दूसरी इफेक्ट 6,000 रुपये प्रॉफिट में एड बैक कर दो, बराबर। ये पॉइंट ओवर। इसके बाद इंटरिम डिविडेंड 50,000 वॉज पेड, इंटरिम डिविडेंड 50,000 पेड। अब यहाँ पे स्पेसिफिक वर्डिंग दिया है कि इंटरिम डिविडेंड पे किया। अब इंटरिम डिविडेंड पे किया तो पीएनएल में से पे किया होगा, तो पीएनएल में से पे किया बोलो, एंट्री क्या होगी, तो पीएनएल में से इंटरिम डिविडेंड पे करने की एंट्री क्या होगी, पीएनएल टू कैश बैंक, पीएनएल टू कैश बैंक। तो पीएनएल में डेबिट हुआ होगा और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। तो पहला एक तो प्रॉफिट में एडबैक कर देंगे डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 पे किया था, इंटरिम डिविडेंड 50,000। तो पहला पॉइंट, इसको 50,000 का जो डिविडेंड था, 50,000 का जो डिविडेंड था वो डिविडेंड एक तो प्रॉफिट में एडबैक कर देंगे, इंटरिम डिविडेंड इसका मीनिंग है करंट ईयर का डिविडेंड है। और दूसरा ये कहाँ पे शो करेंगे, तो इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो करेंगे पॉइंट नंबर 4 करके, बराबर। पेमेंट ऑफ पेड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अमाउंट वॉज 60,000, अमाउंट वॉज 50,000 नॉट 60,000, अमाउंट वॉज 50,000 रुपीज़ का डिविडेंड पे किया था। सो 50,000 रुपीज़ यहाँ पे आउटफ्लो में भी शो कर देंगे, ओके। आउटफ्लो करके 50,000 इसको शो कर देंगे। सो पेड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 डन, ओके। ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया, ओके। इसके बाद और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो एडजस्टमेंट्स, ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन। इसके बाद क्या, तो इसके बाद क्वेश्चन में पीएनएल नहीं दिया है बट बैलेंस शीट दिया है, तो एक एक करके बैलेंस शीट का एक एक पॉइंट रीड करते हैं और उसके बाद अगर कोई ट्रांजेक्शन कैश फ्लो में जाता है तो उसको ट्रांसफर करेंगे। सो बैलेंस शीट के अंदर देखो तो बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल एक एक पॉइंट करके रीड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख से 12 लाख हो गया है, तो 2 लाख रुपए एक्जैक्टली इक्विटी शेयर बढ़ रहा है। इक्विटी शेयर एक्जैक्ट 2 लाख बढ़ रहा है, पर आपको याद होगा तो ये तो बोनस की वजह से बढ़ रहा था, तो इसमें ना तो कोई कैश इनफ्लो हुआ ना तो आउटफ्लो हुआ, तो ये इक्विटी शेयर वाला जो पॉइंट है इसको इग्नोर करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसकी कोई इफेक्ट नहीं आएगी। इसके बाद है जनरल रिजर्व, इसके बाद सेकंड नंबर का पॉइंट आता है वही है, हाँ जनरल रिजर्व है सेकंड नंबर का पॉइंट। अब जनरल रिजर्व जो सेकंड नंबर का पॉइंट है उसके अंदर ऑलरेडी हमने एक अकाउंट बनाया था उसका जनरल रिजर्व का, और जनरल रिजर्व अकाउंट में से हमने फाइंड किया था कि 1,65,000 करंट ईयर में जीआर में ट्रांसफर किया था पीएनएल में, और ये 1,65,000 की इफेक्ट हमने जीआर में जो ट्रांसफर किया था तो इसको हमने प्रॉफिट में पीएनएल में एडबैक भी कर दिया था, क्योंकि ये नॉन कैश एक्टिविटी हुआ था, अप्रोप्रिएशन का पार्ट है, तो इसको हमने पीएनएल में एड भी कर दिया था। सो जीआर इज ओवर। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन ऑलरेडी हो चुका है 3 लाख और 5 लाख। 3 लाख में से क्वेश्चन में आपको ये बोला था कि लास्ट ईयर के 3 लाख रिडम्पशन किए थे, नए 5 लाख के इशू किए थे, तो इसकी हमने 2 इफेक्ट पास कर दी थी, दोनों की दोनों इफेक्ट हमने पास की थी इन अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया था और उसके नए प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू भी कर दिया था, दोनों की दोनों वहाँ पे शो किया था फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर के बाद पीएनएल अकाउंट का बैलेंस, वहाँ से अपने क्वेश्चन चालू किया था, डिबेंचर को रिडीम कर दिया। ओके, डिबेंचर का इंटरेस्ट का पॉइंट बाकी होगा, तो डिबेंचर 3 लाख से 1 लाख हो गए, और क्वेश्चन में आपको ये बोला था कि डिबेंचर को रिडीम कब किया था, उसका कोई डेट वेट दिया, तो वो देखो पॉइंट नंबर 4 में कि डिबेंचर्स वे रिडीम एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर लिखा है, डिबेंचर को रिडीम कब किया था बिगिनिंग में। अब डिबेंचर को बिगिनिंग में रिडीम किया था मीनिंग 2 लाख के डिबेंचर पहले दिन से कम हो गए, यानी फर्स्ट डेट से आपके पास डिबेंचर का बैलेंस कितना है 1 लाख ओनली। फर्स्ट डेट से आपके पास डिबेंचर का बैलेंस कितना है 1 लाख, तो 1 लाख के ऊपर 8% इंटरेस्ट आपने पे किया होगा, तो 1 लाख का 8% करें तो 8,000 रुपये इंटरेस्ट होगा। तो डिबेंचर का जो इंटरेस्ट होता है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है बट हमने पीएनएल में डेबिट किया होगा, क्योंकि वो डिबेंचर का इंटरेस्ट पीएनएल में डेबिट तो होता ही है, तो पीएनएल में डेबिट किया होगा तो वापस पीएनएल में क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट मीनिंग क्या करेंगे प्लस, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 करके डिबेंचर इंटरेस्ट 1 लाख का 8%, दैट इज़ 8,000 रुपीज़ इंटरेस्ट यहाँ पे प्रॉफिट में वापस एडबैक करना पड़ेगा, और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, तो इसको यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 करके दैट इज़ डिबेंचर इंटरेस्ट करके 8,000 रुपीज़ यहाँ पे इसको शो कर देंगे, 8,000 डिबेंचर इंटरेस्ट पे किया था। ठीक है, सो डिबेंचर का पॉइंट हो गया था, इसका इंटरेस्ट का पॉइंट बाकी था वो कर दिया। इसके बाद आता है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स 2,05,000 से 3 लाख हो गया, सो क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने परचेस किया होगा, परचेस तो कर लिया बट पेमेंट नहीं किया, क्योंकि क्रेडिटर बढ़ रहे, इसका मीनिंग क्या हुआ कि पेमेंट नहीं किया होगा। सो क्रेडिटर बढ़ रहा है बट सामने पेमेंट हुआ नहीं है, सो 95,000 आप समझो परचेस हुआ, तो परचेस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट तो हो गया बट सामने कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट हो गया बट सामने आउटफ्लो नहीं हुआ, तो इसको रिवर्स करो। रिवर्स मीनिंग क्या करो, डेबिट हो गया तो क्रेडिट करो, 95,000 परचेस किया होगा क्रेडिटर से, सो परचेस पीएनएल में ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट कर दिया बट अब सामने कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करो। क्रेडिट मीनिंग क्या करेंगे प्लस, तो वापस इसकी इफेक्ट कहाँ जाएगी, प्लस करने के लिए ये वर्किंग कैपिटल का पार्ट आता है, तो वर्किंग कैपिटल का हमारा जो पोर्शन आता है उसके अंदर क्रेडिटर्स 95,000, यहाँ पे चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट, चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट इसके अंदर इसको शो करेंगे फर्स्ट नंबर का पॉइंट, दैट इज क्रेडिटर 95,000। क्रेडिट करना है, पीएनएल में डेबिट किया होगा तो क्रेडिट करना है, क्रेडिट मीनिंग क्या करना है प्लस, बराबर। इसके बाद क्रेडिटेड हो गए। अब इसके बाद बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का बैलेंस है 70,000 और 85,000, तो सेम पॉइंट जो क्रेडिटर्स में अप्लाई था वो यहाँ पे भी होगा। बिल्स पेबल भी हमने नॉर्मली क्रेडिटर्स को इशू किया होता है, बराबर, या किसी भी कोई भी क्रेडिटर, क्रेडिटर फॉर इनकम एक्सपेंस हो सकता है, क्रेडिटर फॉर गुड्स हो सकता है, कोई भी क्रेडिटर होगा जिसको हमने बिल्स पेबल इशू किया होगा। तो बिल्स पेबल 70,000 का 85,000 हो रहा है, मीनिंग 15,000 का बिल्स पेबल बढ़ रहा है, मीनिंग हमने कुछ परचेस किया होगा या कोई सर्विस ली होगी, तो हमने परचेस किया होगा, 15,000 रुपीज़ का परचेज हुआ, डेबिट पीएनएल में ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट कर दिया बट सामने कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, तो सेम जो ऊपर वाले पॉइंट में क्रेडिटर्स में किया था सेम पॉइंट इसके लिए भी सेम लॉजिक एप्लीकेबल होगा बिल्स पेबल के लिए, कि पीएनएल का ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट किया है बट सामने कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, तो डेबिट कर दिया तो क्रेडिट करो। क्रेडिट मीनिंग क्या करेंगे प्लस, तो इसको भी वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट में 15,000 रुपीज़ से इसको प्लस साइन से शो करना पड़ेगा इन अ वर्किंग कैपिटल पार्ट, दैट इज बिल्स पेबल, बिल्स पेबल बैलेंस ऑफ रुपीज़ 15,000 इसको भी आपको वर्किंग कैपिटल में प्लस करना पड़ेगा। इसके बाद बिल्स पेबल के बाद टैक्स प्रोविजन, ये अकाउंट बना के हमने ऑलरेडी कर दिया, अकाउंट क्लोज भी हो गया था। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बना दिया, खाली क्लोज करना बाकी होगा, देख लेते लास्ट में। प्लांट एंड मशीन अकाउंट बन गया, अकाउंट लास्ट में क्लोज करेंगे। इन्वेस्टमेंट 250 ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो इसकी कोई इफेक्ट नहीं होगी। स्टॉक 360 का 350 हो गया तो स्टॉक कम हो रहा है, मीनिंग सेल किया होगा, सेल किया तो इनफ्लो होगा वर्किंग कैपिटल के अंदर, इसको प्लस साइन से शो करेंगे, इनफ्लो हो रहा है। तो पॉइंट नंबर 3 स्टॉक में ये लॉजिक अप्लाई करेंगे भी स्टॉक कम हो रहा है मीनिंग सेल हुआ है, सेल हुआ तो इसको स्टॉक को इनफ्लो हुआ होगा, मीनिंग स्टॉक की वजह से इनफ्लो हुआ तो 10,000 रुपीज़ प्लस साइन से शो कर दो। इसके बाद डेटर्स 3 लाख का 390 हुआ, मीनिंग डेटर्स बढ़ रहे हैं, मीनिंग सेल्स हुआ है बट कलेक्शन नहीं हुआ, तो सेल्स बढ़ा तो आप बोलो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट किया होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया बट कैश इनफ्लो नहीं हुआ, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपने क्रेडिट कर दिया सेल्स 90,000 रुपीज़ बट इनफ्लो नहीं हुआ तो वापस डेबिट करो, डेबिट मीनिंग क्या माइनस। तो वर्किंग कैपिटल का जो स्टेटमेंट है उसके अंदर यहाँ पे 4th नंबर का पॉइंट आएगा डेटर्स, और डेटर्स की अमाउंट कितनी होगी 90,000 माइनस करेंगे क्योंकि पीएनएल में डेबिट करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करना है। ओके इसके बाद आफ्टर डेटर्स देयर इज़ अ कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस 1,95,000 ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आप चेक करें, पहले ओपनिंग है फिर क्लोजिंग है 1,95,000, सो यहाँ पे लास्ट में कैश एंड बैंक बैलेंस 1,95,000, यहाँ पे ओपनिंग कैश बैलेंस है 1 लाख और क्लोजिंग कैश बैलेंस है 95,000। ये 95,000 बेसिकली अपना आंसर है, पहले से वैसे आप लिख नहीं सकते बट ठीक है ये 95,000 आंसर लाना है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस 15,000 ओपनिंग है और क्लोजिंग है 20,000। अब प्रीपेड एक्सपेंस पर लॉजिक क्या अप्लाई होगा, समझो कि प्रीपेड एक्सपेंस 15,000 था अभी 20,000 हो गया, मीनिंग आपने 5,000 रुपये प्रीपेमेंट किया है, प्रीपेमेंट अगर आपने 5,000 रुपये किया है तो आपका कैश आउटफ्लो 5,000 रुपये ज़्यादा आपके बिजनेस में से आउटफ्लो हुआ था, तो प्रीपेड एक्सपेंस 15,000 का 20,000 हो रहा है, तो प्रीपेड एक्सपेंस आपने एडिशनली पे किया है, तो एडिशनली आपने प्रीपेमेंट किया है तो आउटफ्लो हुआ होगा, तो वर्किंग कैपिटल में आउटफ्लो शो करेंगे। तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ ₹5,000। इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस हो गया और इसके बाद लास्ट पॉइंट था एडवांस टैक्स पेमेंट, उसको एडवांस टैक्स को तो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया था। अब सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, एडजस्टमेंट हो गए, बैलेंस शीट एक एक पॉइंट रीड कर लिया, अब अकाउंट्स क्लोज करना स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंट क्लोज करो तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट में डिफरेंस आ रहा है वहाँ पे, क्रेडिट साइड टोटल है 7,50,000 और डेबिट साइड का टोटल 6 लाख है, तो डेबिट साइड डिफरेंस आ रहा है 1,50,000 का, डेबिट साइड डिफरेंस आ रहा है लैंड एंड बिल्डिंग में, और ये डेबिट साइड का जो डिफरेंस है ये शो करेगा कि ये नए हमने लैंडिंग बिल्डिंग परचेस किया होगा, तो इसकी एंट्री क्या होगी लैंड एंड बिल्डिंग टू कैश एंड बैंक, एंट्री क्या होगी लैंड एंड बिल्डिंग टू कैश एंड बैंक 1,50,000। और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यहाँ पे इसको शो करेंगे परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000 परचेज किया था, सो आउटफ्लो होगा 1,50,000 का। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट क्लोज हो गया, सेकेंड अकाउंट है दैट इज़ प्लांट एंड मशीन अकाउंट, सेकेंड अकाउंट है प्लांट एंड मशीन अकाउंट, तो प्लांट एंड मशीन अकाउंट को क्लोज करें, तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीन अकाउंट क्लोज करें 1,20,000 प्लस 32,000 प्लस 8,000 प्लस 11 लाख माइनस 9 लाख, तो 3,60,000 ये प्लांट एंड मशीन परचेस किया होगा, प्लांट एंड मशीन परचेस किया होगा कितने का 360 का, तो 360 का प्लांट एंड मशीन परचेस किया था, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करेंगे परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीन 3,60,000 परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीन 3,60,000 बराबर, और प्लांट एंड मशीन अकाउंट ऐसे क्लोज हो गया, परचेस किया होगा, डेबिट से डिफरेंस आ रहा है प्लांट एंड मशीन में तो परचेस किया होगा। इसके बाद टैक्स प्रोविजन अकाउंट, एडवांस टैक्स अकाउंट और जीआर अकाउंट ये तीनों क्लोज हो चुके हैं, तो अकाउंट सारे क्लोज हो गए। अब टोटल करना स्टार्ट करें, सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज फॉर पीएनएल 1 लाख, देन आफ्टर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करें, तो एक्सपेंस का टोटल 1,70,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000 plus 1 lakh plus 15,000 plus 165,000 plus 6,000 plus 58,000 total comes to 5,28,000. सो एक्सपेंस साइड का टोटल आ रहा है 5,28,000. एक्सपेंस साइड का टोटल आ रहा है 5,28,000 और उसमें 1 लाख प्रॉफिट ऐड करें. इनकम्स में कुछ भी नहीं है बराबर, तो 528 प्लस 1 लाख करें तो इट कम्स टू 628,000. तो दिस आंसर कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल इज 6,28,000. इसमें वर्किंग कैपिटल का आंसर टोटल करें तो 95,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 माइनस 90,000 एंड माइनस 5,000 कम्स टू 25,000. सो 25,000 वर्किंग कैपिटल का आंसर 25,000 पॉजिटिव. उसके बाद 6,28,000 प्लस 25,000 कम्स टू 6,53,000. कैश फ्लो बिफोर टैक्सेशन 653,000. 6,53,000 में से 1,01,000 माइनस करो तो कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स इस कम्स टू 5,52,000. और क्वेश्चन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कुछ भी नहीं है. तो फाइनली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ व्हाट 5,52,000. ओके, और इसके बाद इन्वेस्टिंग का टोटल, तो इन्वेस्टिंग के अंदर 32,000 माइनस 1,50,000 माइनस 3,60,000 तो 4,78,000 माइनस से आ रहा है 4,78,000 माइनस साइन से शो करेंगे. इसके बाद फिनेंसिंग एक्टिविटी, तो फिनेंसिंग एक्टिविटी में इट इज़ 5 लाख प्लस 2,06,000 5 लाख प्लस 2,06,000 सॉरी पहले माइनस का टोटल करें 3,15,000 प्लस 2,06,000 प्लस 50,000 प्लस 8,000 माइनस 5 लाख तो 79,000 आंसर आएगा. 79,000 माइनस साइन से शो करेंगे एंड फाइनली तीनों को प्लस माइनस करें तो 5,52,000 माइनस 4,78,000 माइनस 79,000 और उसमें 1 लाख प्लस करो तो माइनस 5,000 प्लस 1 लाख कम्स टू 95,000. सो ये क्लोजिंग बैलेंस ये टैली हो जाएगा. ओके, सो हमने कौन कौन सी चीज़ों को प्लस माइनस किया था तो फाइनली चेक कर ले. तो ऑपरेटिंग का टोटल था, ऑपरेटिंग का टोटल है 552 प्लस इन्वेस्टिंग का अरे माइनस इन्वेस्टिंग का 478 और फिनेंसिंग का माइनस 79,000 एंड फाइनली माइनस आंसर 5,000 आएगा प्लस 1 लाख तो आंसर आएगा 95,000. दैट इज़ योर फाइनल आंसर बराबर. सो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है और इसका भी PDF आपको नीचे ऑप्शंस में आपको डाउनलोड ऑप्शंस में मोर ऑप्शंस में आपको मिल जाएगा. थैंक यू. इफ यू लाइक दिस वीडियो share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.